स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पर्वत एवं पठार यानी माउंटेन एंड प्लेटियो। विगत परीक्षाओं में इस लेसन से अमूमन प्रश्न जो है पूछे जाते रहे हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि पर्वत शैल निर्मित वह संरचना होती है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर होती है, उसे पर्वत कहा जाता है, और जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो उसी को हिल यानी पहाड़ी कहा जाता है। ऊंचाई कुछ भी हो लेकिन अगर उसका शीर्ष बिल्कुल सपाट हो उसी को जो है प्लेटियो यानी पठार कहा जाता है। शुरू करते हैं इस सेशन को। इस सेशन से संबंधित कुछ प्रश्न जो है पूछे गए हैं, जैसे नमक की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं, या भारत का सबसे ऊंचा पर्वत किस नाम से जाना जाता है, पेटागोनिया का पठार किस देश में स्थित है, सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, जैसे प्रश्न जो है व्हाइट हिल, ब्लू हिल, ब्लैक हिल किस देश में पाए जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे यहां पर। वैसे ये सेशन प्रतिदिन रात को 9 बजे स्टडी 91 पर प्रसारित किया जाता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? आपके विकल्प हैं जापान, ब्रिटिशियन कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट या दक्षिण पूर्व एशिया। पर्वतों का सागर जानने से पहले जो है पर्वत किसको कहते हैं उसको जो है हम लोग समझते हैं। हालांकि शुरू में ही मैं इसके संदर्भ में बताया कि इंटरनेशनल जियोग्राफिकल यूनियन के अनुसार ऐसी कोई भी शैल निर्मित संरचना जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, यानी जो है हाइट उसकी 1000 मीटर से अधिक हो और शीर्ष कैसा हो, तो शंक्वाकार हो, कोनिकल हो, बिल्कुल शीर्ष जो है शंक्वाकार हो, ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, ऐसे शैल निर्मित संरचना, चट्टान से बनी हुई संरचना को ही जो है कहा जाता है क्या, माउंटेन, या इसी को कहते हैं क्या, पर्वत। यदि उसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो और उसके बावजूद भी उसका शीर्ष शंक्वाकार हो तो इसको जो है हिल कहते हैं, इसको जो है पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे जो है पहाड़ी कहते हैं। और ऊंचाई कुछ भी हो लेकिन इसका शीर्ष जो है बिल्कुल फ्लैट हो तो इसी को प्लेटियो कहते हैं या इसी को जो है पठार कहते हैं, इसी को प्लेटियो या पठार के नाम से जाना जाता है। तो पर्वतों का सागर किसको कहते हैं? पर्वतों का सागर मतलब जो है विभिन्न प्रकार के पर्वतों की उपस्थिति। कनाडा में वहां का एक प्रांत है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया वहां का एक प्रांत है और कभी ब्रिटेन के अधीन ये भी देश रहा था, आज भी इसे ब्रिटिश कोलंबिया कहते हैं। और राकी पर्वत का जो है विस्तार इन क्षेत्रों में है जिसके वजह से इसे ब्रिटिश कोलंबिया के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया के नाम से जाना जाता है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगला प्रश्न को देखें, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? अगर जो है आपसे पूछा जाए कि पर्वत के कितने प्रकार हैं या पर्वत के प्रकार, तो आपको वैसे तो इनको कई पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है, लेकिन अमूमन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक जो पूछा जाता है आपको स्थिति के आधार पर और दूसरा जो है पूछा जाता है क्या, दूसरा पूछा जाता है संरचना के आधार पर और तीसरा जो है निर्माण काल के आधार पर। स्थिति के आधार पर वो पर्वत जो समुद्र तट के जो है समुद्र तट पे होते हैं उनको तटीय पर्वत कहते हैं, कोस्टल माउंटेन कहते हैं, जो समुद्र तट पर पाए जाते हैं। वो पर्वत जो कि समुद्र के अंदर स्थित हैं उनको जो है सागरीय पर्वत कहते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि विश्व की सबसे जो है लंबी पर्वत श्रृंखला सागर के नीचे ही स्थित है, और ऐसे पर्वत जो सागर तट पर नहीं होते हैं उनको जो है मध्य भूभाग में स्थित होते हैं और इनको जो है स्थलीय पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है। लेकिन अगर संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के बिहाफ पर पर्वतों को जो है देखा जाए तो
पर्वतों के निर्माण के लिए प्लेट टेक्टोनिक की घटना जो है जिम्मेदार है, प्लेट वर्तनिक की घटना जो है जिम्मेदार है। मैं पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि पृथ्वी के अंदर वो चट्टाने, पृथ्वी के अंदर धातुओं से निर्मित जो है ऐसी प्लेटें जो कि पिघले हुए मैग्मा पर यानी लिक्विड पर जो है मूव करती हैं पृथ्वी की गति करने की दिशा में, ऐसी प्लेटों की संख्या मोर देन 100 है। उनमें से 7 जो है लार्ज प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें हैं, जिस पर 7 जो है कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीप स्थित हैं। इसके अलावा भी छोटी छोटी प्लेटें हैं। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमती है तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो भी उसी दिशा में घूमता है, तो ये प्लेटें भी उसी दिशा में जो है घूमती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बिल्कुल वैसा होता है जैसे बहती हुई नदी पर कुछ नावों को जो है छोड़ दिया जाए स्वतंत्र रूप से, और ऐसी कंडीशन में अगर जो नदी बिल्कुल सीधा बह रही है तो जाहिर सी बात है उसी नदी की दिशा में ये जो है नावें चलेंगी। लेकिन नदी जो है बार बार मोड़ ले रही है, अगर वहां पानी ऐसे जो है सपोज करो कि जहां घूम रहा है ये नावें जो है वहां पहुंच करके अभी आपस में टकराना शुरू कर देंगी। सेम एज पृथ्वी के अंदर प्लेटों की भी स्थिति ऐसी ही होती है, और ये या तो जो है एक दूसरे से टकरा जाती हैं और नहीं तो एक दूसरे से दूर होंगी। जब एक दूसरे से ये प्लेटें टकराती हैं तब भी प्रॉब्लम है, दूर होती हैं तो प्रॉब्लम है। अब जहां टेथिस सागर है जिस जगह पर, वहां हिमालय जैसा पर्वत स्थित है, जाहिर सी बात है यहां दो प्लेटें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडो जो है तिब्बत प्लेट के आपस में जो है टकराने की वजह से ये प्लेटें जो है फोल्ड होती गई, ऊपर को उठती गई, फोल्ड होती गई, ऊपर को उठती गई, और इसके वजह से जो है फोल्डेड माउंटेन अपने अस्तित्व में आया और उस पर्वत को हिमालय पर्वत कहते हैं। यानी प्लेटों के टकराने की वजह से जब ये प्लेटें फोल्ड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, इनमें बलय पड़ता है और इसके वजह से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हीं को बलित पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको बलित पर्वत कहते हैं, या ऐसे पर्वतों को फोल्डेड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अपना हिमालय बलित पर्वत है। आज भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि हिमालय आज भी अपने बनने के क्रम में है। और दुनिया में जितने भी आपको जो है हाईएस्ट हाइट वाले माउंटेन दिखेंगे या लॉन्गेस्ट सबसे अधिक लंबाई में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सबसे अधिक ऊंचाई में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सबसे अधिक चौड़ाई में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सब के सब जो है बलित पर्वत ही आपको मिलेंगे। और मैंने बताया कि अपना हिमालय, उसके अलावा दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला अगर जो है आप इसको इस तरह से ग्लोब पर देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, यह है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यह है जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और यहां से लेकर के यहां तक, यानी इसके उत्तरी सिरे से लेकर के जो है और इस महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर, दक्षिणी सिरे पर जो है यहीं पर जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला होती है। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई लगभग 7000 जो है 7000 किलोमीटर है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। क्या नाम है? एकांकागुआ। एकांकागुआ इसका जो है नाम है। यह एक प्रकार का मृत्यु ज्वालामुखी भी है और ये किस देश में स्थित है? आप कहेंगे कि अर्जेंटीना में स्थित है। कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। इसकी ऊंचाई भी लगभग 7000 ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं, एंडीज एक तरह का बलित पर्वत है, एक फोल्डेड माउंटेन है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, नवीन बलित पर्वत है, और इधर इस वाले बेल्ट में चूंकि जो है पैसिफिक ओशियन जो है स्थित है, प्रशांत महासागर इधर जो है स्थित है, तो जाहिर सी बात है अगर उस दृष्टिकोण से जो है इसको देखा जाए, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह क्या है? तो आप कहेंगे सागर तटीय पर्वत है। इसके अलावा यहां से लेकर के इस वाले बेल्ट पर, यहां से लेकर के इस वाले क्षेत्र पर, यहां से लेकर के यहां तक, यहां जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसका नाम है राकी पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? राकी पर्वत श्रृंखला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है क्या है? आप कहेंगे माउंट मैकिनले, ये जो कि कनाडा में जो है स्थित होता है। तो ये भी जो है एक तरह का बलित पर्वत है, ये भी एक तरह का फोल्डेड माउंटेन बलित पर्वत है। इवन दैट आपके ये इस वाले बेल्ट पर
इधर यूरोप जो है पड़ता है, यूरोप में आपका आल्पस पर्वत बलित पर्वत है, काकेकस पर्वत, यूराल पर्वत जो कि एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, ये सब के सब किस प्रकार के पर्वत हैं? फोल्डेड माउंटेन हैं, बलित पर्वत हैं। अफ्रीका में एटलस पर्वत है, ये भी फोल्डेड माउंटेन है। बढ़ते हैं आप, हम लोग देखते हैं ये पूछा क्या जा रहा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? मैंने बताया नवीन मोड़दार पर्वत में जो है पाई जाती है, नवीन मोड़दार पर्वतों में ये चोटियां पाई जाती हैं। और आपको जानकारी के लिए बताएं कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपका जो है यहां पर मिलेगा, अपने भारतवर्ष में जो है मिलेगा, और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय की है और इसकी ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट है। ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एवरेस्ट को चाइना वाले क्या कहते हैं इसको पूछता है। चोंगलुगमा कहते हैं, क्या कहते हैं? चोंगलुगमा कहते हैं। एवरेस्ट को नेपाल के लोग क्या कहते हैं? नेपाल के लोग एवरेस्ट को जो है सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके मुझको बताना एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहरहाल ये इसकी ऊंचाई लगभग कितना है आप सबको पता है, 8,850 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। जबकि एकांकना गोवा कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो लगभग 7,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन? एकांकना गोवा। एकांकना गोवा किस देश में स्थित है? जी हां, अर्जेंटीना में स्थित है। किस देश में? अर्जेंटीना में ये स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं हम लोग अवलोकन, अगले प्रश्न में जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, अभी मैंने बताया एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो लगभग जो है 7,000 किलोमीटर है, रॉकी पर्वत श्रृंखला जो कि लगभग 4,800 कह दो 5,000 किलोमीटर है, उसके अलावा हिमालय 2,500 किलोमीटर है, 2,500 किलोमीटर है, आल्पस जो लगभग 2,000 किलोमीटर पर 2,000 किलोमीटर है। तो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पहले नंबर पर है, कौन सी है? एंडीज। किस देश में स्थित है? तो आप कहेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अभी तो मैंने बताया था इस वाले बेल्ट पर जो है रॉकी स्थित है और इस वाले बेल्ट पर जो है एंडीज स्थित है। इधर भी जो है पैसिफिक ओशियन है, इधर भी जो है पैसिफिक ओशियन है, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। कौन सा? तो आप कहेंगे एंडीज। और उत्तरी प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है कौन सा? रॉकी। ये पर्वत की पर्वतों में सबसे ये लंबा है, ये दूसरा सबसे लंबा है, और हिमालय जो है लंबाई के आधार पर दुनिया का जो है तीसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन नंबर में 3 में दिया है इसलिए मैं कह रहा हूं, सच में हिमालय जो है लंबाई के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऊंचाई के आधार पर नंबर 1 है, ये तो जग जाहिर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखिए, दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? फटाफट कमेंट करें आप लोग। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका या न्यूजीलैंड? जानकारी के लिए बताएं, दक्षिणी आल्पस पर्वत अगर जो है सिर्फ आपसे आल्पस पूछता, ये बड़ा पूछता है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है लेकिन न जानकारी में धोखा होता है। आल्पस पर्वत श्रृंखला सिर्फ आल्पस कहेगा तो ये जो है यूरोप में पड़ता है, और ये यूरोप के लगभग 7 से 8 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? आल्पस का, जिसका जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट ब्लैक है। क्या नाम है? माउंट ब्लैक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। लेकिन अगर जो है आपसे पूछे कि दक्षिणी आल्पस पर्वत कहां स्थित है, तो दक्षिणी आल्पस पर्वत उस देश में स्थित है जिसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं न्यूजीलैंड का। तो दक्षिणी आल्पस पर्वत इस देश का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, और इसकी ऊंची चोटी को जो है किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? माउंट कोको के नाम से जो है इसे जाना जाता है। अंटार्कटिका जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप, और वो महाद्वीप जो कि विज्ञान का प्रयोगशाला कहा जाता है, ये वो महाद्वीप है जिसका आकार जो है बदलता रहता है, ये वो महाद्वीप है जहां पर
लाइफ नहीं है, लगभग मनुष्य वहां पर न के बराबर है, और जो लोग हैं वहां एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है सिर्फ वैज्ञानिकों का दल है, न कि एसएससी की तैयारी करने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया जिसकी सबसे ऊंची चोटी, वहां की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है काउस्को है। अगला प्रश्न देखें, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 2500 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। एंडीज सबसे बड़ी है, इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। रॉकी इसकी लंबाई 4800, कहीं कहीं 5000 किलोमीटर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लगभग 3700 किलोमीटर है, और ये कहाँ पर पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो यूएसए और कनाडा में स्थित है, यूएसए और जो है कनाडा में स्थित है। हिमालय बताने की जो है ज़रूरत नहीं कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बर्मा जैसे जो है ये देशों में इसका विस्तार पाया जाता है, और इसको कह रहा है कि आप अवरोही क्रम में अरेंज कर दीजिए, आरोही नहीं, अवरोही, घटते क्रम में। तो सबसे पहले इंडीज आएगा, इंडीज यहाँ पर दिया है नंबर वन पर, ये दिया है इंडीज, इंडीज के बाद जो है दूसरे नंबर पर जो है रॉकी आएगा, यानी फोर्थ नंबर, या ये दिया रखा है, उसके बाद जो है थर्ड नंबर, ये नंबर दूसरा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांकागुआ है, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है माउंट मैकिले है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है सागरमाथा है, चोंगलुंगमा है, एवरेस्ट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, आप कमेंट करके बताएं, अभी जस्ट जो है पीछे मैंने बोला था। अगला प्रश्न, आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है, फटाफट कमेंट करके बताएं, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस देश का हिस्सा नहीं है। अगर जो दक्षिणी आल्पस कहता है, साउथ आल्पस कहता है, दक्षिणी आल्पस कहता है, तो ये कहां पर स्थित है, दक्षिणी आल्पस जो है न्यूजीलैंड में स्थित है, कहां पर स्थित है, न्यूजीलैंड में। लेकिन सिर्फ आल्पस पर्वत जो है कह रहा है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है माउंट ब्लैक है, और इसका विस्तार जो है यूरोप के 8 देशों में जो है पाया जाता है, 8 देशों में इसका जो है विस्तार है, और आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक, और ये इंग्लैंड में नहीं है, बाकी सब जगह है, फ्रांस में, जर्मनी में, इसका विस्तार ऑस्ट्रिया में, स्विट्जरलैंड में, जैसे प्रमुख देशों में इसका विस्तार है, लेकिन इंग्लैंड में ना। यूराल और काकेकस के बाद जो है ये प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, हालांकि यूराल और काकेकस ये बिल्कुल यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे स्थित है, जबकि आल्पस जो है मध्य यूरोप में स्थित है। दिए हुए प्रश्न का डी विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, व्हाइट पर्वत जो है कहाँ पाए जाते हैं। मैं टाइप्स ऑफ माउंटेन बताया तो उसमें आपको बताया था कि संरचना के आधार पर एक होता है फोल्डेड माउंटेन, जिसको हम लोग कहते हैं बलित पर्वत, दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक पर्वत, या इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं खंड पर्वत, क्या कहेंगे, खंड पर्वत कहेंगे। तीसरा जो होता है वो होता है गुंबदाकार पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, गुंबदाकार पर्वत होता है। चौथा जो होता है ज्वालामुखी पर्वत होता है, कौन सा, ज्वालामुखी पर्वत है। पांचवा अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, उसमें जो है व्हाइट पर्वत एक तरीके का जो है गुंबदाकार पर्वत है, कौन सा पर्वत है, गुंबदाकार पर्वत। जब कभी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और ज्वालामुखी के विस्फोट में जब बेसिक लावा निकलता है, क्षारीय लावा निकलता है, क्षारीय लावा वो लावा होता है जिसमें सिलिकन की मात्रा कम होती है लेकिन जो है लिक्विड की मात्रा अधिक, जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, तो जाहिर सी बात है वो लावा जब जो है क्रेटर से बाहर निकलता है ज्वालामुखी के विस्फोट में, तो वो दूर तक जो है ऐसे फैलता है। जबकि जो अम्लीय लावा होता है, जो कठोर लावा होता है, यानी जिसमें पानी की मात्रा कम है, जिसमें सबसे अधिक सिलिका है, तो जाहिर सी बात है वो फैलता नहीं है बल्कि जो है ऐसे जो है ऊपर उठता चला जाता है, और मैग्मा ही बाहर आकर के जब कठोर हो जाता है तो बेसाल्ट चट्टानों में कन्वर्ट हो जाता है, आग्नेय शैल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो आग्नेय शैल है यही आगे चल करके मैं पढ़ाया
तो आपको बताया कि जब ये टूटते हैं तो ब्लैक सॉयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब रह गई बात यहां पर, जब बिल्कुल निकलने वाला मैग्मा बिल्कुल ढीला होता है, लिक्विड जो है फॉर्मेट में होता है, तो ऐसे फैलता जाता है, बिल्कुल बिल्कुल फैलता जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो लोग गांव में होंगे तो गांव में देखते होंगे जानवरों के गोबर जो है खाद बनाने के लिए इकट्ठा किया जाता है, तो एक जगह जहां इकट्ठा किया जाता है तो वो बिल्कुल वैसे ही जो है यहाँ पर भी जब मैग्मा हो जाए उसके वजह से जो पर्वत बने उसको जो है गुंबद का आकार जो है धारण कर लेता है, उसे गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। व्हाइट हिल, ब्लू हिल, ये सब के सब जो है, ब्लैक हिल कहां पर पाए जाते हैं? अमेरिका में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाएंगे? अमेरिका में पाए जाएंगे। जबकि कनाडा में जो है, कनाडा में जो है मैंने बताया कि अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी तट पर जो है राकी पर्वत का भी जो है विस्तार पाया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, गुंबदाकार पर्वत वो होता है जो कि ऐसे मैग्मा से बनता है जिसमें कि लिक्विड की मात्रा या पानी की मात्रा अधिक होती है। ज्वालामुखियों के विस्फोट से जो पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं उनको जो है ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी है और एक पर्वत भी है। कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, पर्वत भी है वो जो है ज्वालामुखी भी है। तो ज्वालामुखियों के विस्फोट की वजह से ये जो पर्वत बनते हैं बेसाल्ट चट्टानों के आग्नेय शैलों के बनते हैं उनको जो है ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जबकि ब्लॉक पर्वत, मैंने बताया जब दो प्लेटें पृथ्वी के अंदर जो है आपस में टकराती हैं तो वो फोल्ड होती हैं, और फोल्ड होती हैं तो ऊपर को उठती हैं क्योंकि नीचे लिक्विड है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के ऊपर जब दो नावों को आप देखे होंगे, जब दो नावें आपस में लड़ती हैं टकराती हैं तो नीचे की तरफ नहीं जाएंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी, टकराने के बाद ऊपर की तरफ उठेंगी। इसी तरह चट्टानें भी आपस में टकराने के बाद ऊपर की ओर उठती हैं और धीरे धीरे जो है पर्वतों का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे अपना हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत है, आल्पस पर्वत है, ये सब के सब एटलस पर्वत है, ये सब के सब जो है बलित पर्वत है। और कभी कभी स्थिति सिचुएशन ऐसी बनती है जब पृथ्वी के अंदर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं, तो दूर होती हैं तो जाहिर सी बात है भाई एक दूसरे से दूर होंगे तो कष्ट होगा। अब एक दूसरे से ये इतना दूर होती हैं कि जो है क्रस्ट पे बड़ा जो है टेंशन क्रिएट करती हैं, तनाव उत्पन्न कर देती हैं, और क्रस्ट पे इतना अधिक तनाव जो है उत्पन्न कर देती हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट जो है क्या हो जाती है, टूट जाती है। पृथ्वी की क्रस्ट लगभग 29 किलोमीटर जिसका जो है मोटाई है, तो 29 किलोमीटर भी माने रखता है। हिमालय सबसे ऊंचा है तो उसकी ऊंचाई लगभग लगभग जो है 8,850 है, उससे लगभग 3 गुना अधिक जो है क्रस्ट की मोटाई है। तो जाहिर सी बात है जब ये क्रस्ट जो है पूरी तरीके से टूटता है तो नीचे जो मैग्मा है तुरंत धड़ल्ले से जो है बाहर आता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है उस समय। और बाहर आता है तो ये क्रस्ट के दोनों दीवारों को पकड़ करके जो है जब बाहर की ओर निकलता है तो कुछ दिन के बाद जब वो ठंडा होता है तो दोनों दीवारें जो है जो क्रस्ट की थी, जो सिलिकन और एल्युमिनियम की बनी हुई थी, अब वो बेसाल्ट चट्टानों की बन जाती है, यानी पर्वत की तरह जो है बदल जाती है। तो दोनों तरफ जो है पर्वत है और बीच में जो है खाई बन जाती है, ऐसे पर्वतों को ही जो है ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। हमारा ब्लॉक माउंटेन जैसे आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये सब के सब जो है ब्लॉक माउंटेन ही है। अगर आप मैप में कभी इंडिया का जो है मैप को देखें तो भारतवर्ष का ये वाला जो है बेल्ट जो है यहाँ पर आपको जो है दिखेगा अरावली। इन शब्दों को याद करने के लिए चाहें तो इसको आप याद कर सकते हैं, क्या ऐसे याद कर लें, अविनाशता, अविनाशता याद ही हो जाएगा आपको, नाश्ता नहीं अविनाशता। अ का मतलब क्या है? अरावली, यानी सबसे उत्तर में जो है भारत की पर्वत श्रृंखला जो हिमालय के अलावा अगर कोई है तो वो है कौन सी? अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला है। उसके नीचे जो है आपको पाया जाएगा कौन सा? तो विंध्य पर्वत पाया जाएगा। वी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है पाई जाएगी। ना का मतलब क्या है? ना का मतलब जो है नर्मदा है,
नर्मदा पर्वत नहीं है, नदी है। उसके नीचे स का मतलब है यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। उसके नीचे फिर एक जो है नदी है जिसका नाम है ताप्ती, ताप्ती के नीचे फिर जो है अजंता की पहाड़ियां जो है होती हैं। तो आप देख रहे हो कि ये ऊपर जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला है, नीचे जो है सतपुड़ा है, बीच से नर्मदा नदी जो है बह रही है। यानी इसका निर्माण जब हुआ होगा तो ऐसे ही हुआ होगा, जब क्रश जो है टूटा होगा तो उसके वजह से दो तरफ पर्वत खड़ा हो गए और उनके बीच से जो है नदियों का प्रवाह शुरू हो गया। यहां पर भी वही स्थिति है, सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों से जो है ताप्ती नदी निकल करके और आकर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर के निकलती है। कभी कभी इनको क्रम में अरेंज करने को दे देता है, तो विंध्य पर्वत, उसके बाद नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत, ताप्ती नदी और अजंता पर्वत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह देश है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसे कभी मुजवंत के नाम से भी जाना जाता था, किस नाम से? मुजवंत के नाम से जो है जाना जाता था। हिमालय पर्वत जिसका विस्तार भारत में, उसके अलावा पाकिस्तान में, इसके अलावा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में, इसके बाद आपका चाइना में, पहले तिब्बत था अब तो खैर जो है चीन हो गया, चीन में, उसके बाद नेपाल को पूछना ही नहीं है, हिमालय का बेटा इसको जो है कहा जाता है, उसके बाद देश है कौन सा? भूटान, उसके बाद जो है बर्मा जिसको कि अब म्यांमार कहा जाता है। ये वो देश हैं जिसमें हिमालय पर्वत का जो है विस्तार है। अराकान योमा जिसकी सबसे ऊँची चोटी का नाम जो है विक्टोरिया है। क्या नाम है? विक्टोरिया। और अराकान योमा जिन दो देशों के सरहद पर स्थित है वो भारत और बर्मा, कौन? भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है अराकान योमा, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? विक्टोरिया है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा। बर्मा जो कि वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1935 के तहत 1937 में भारत से जो है अलग एक देश बना दिया गया। बर्मा जिसकी राजधानी नेपिता और इसकी करेंसी क्या? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एक प्रकार का जो है ब्लॉक माउंटेन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक प्रकार का जो है खंड पर्वत है और किस नदी के तट पर है? राइन नदी के तट पर है। कौन सी नदी? राइन नदी के तट पर स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और राइन नदी जाहिर सी बात है, राइन नदी के तट पर स्थित ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? जर्मनी में। जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन है। आगे देखें, पेनाइन यानी यूरोप, अपलेशियन यानी अमेरिका, आरावली यानी भारत उदाहरण है युवा पर्वत श्रृंखलाओं के? जी नहीं। ब्लॉक पर्वत श्रृंखलाओं के? जी नहीं। फोल्ड पर्वत श्रृंखलाओं के? जी नहीं। पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के। आरावली पर्वत जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है और इसका विस्तार कितने राज्यों में? तो भारत में आप देखेंगे कहां पर, मूल रूप से ये राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद आपका दिल्ली और चंडीगढ़ के जो है क्षेत्रों में है। लेकिन अब जो है अरावली बस यहीं तक रह गया है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अरावली जो है विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें वो चट्टानें हैं, दरअसल पृथ्वी जब दहकता हुआ आग का गोला कभी रही होगी और जब पृथ्वी ठंडा हुई तो उस समय जो चट्टानों का निर्माण हुआ उसको आर्केशियन कहा गया। क्या कहा गया? अर्केशियन चट्टान कहा गया। यही चट्टानें करोड़ों वर्ष जो है लाखों वर्षों के बाद उनमें क्षरण हुआ, धीरे धीरे टूटती गई और उनके क्षरण होने के वजह से टेम्परेचर प्रेशर के जो है वजह से फिर एक नई पर्वत जो है नए प्रकार के पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और वो था जो है धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है ये अवसादी होती हैं।
आपको पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया तो बताया कि जो है अवसादी चट्टान अवसादों के एक जगह इकट्ठा होने की वजह से अपने अस्तित्व में आती हैं, जबकि आग्नेय सेल वो सेल होती हैं जो कि ज्वालामुखियों के विस्फोट होने की वजह से निकलने वाला मैग्मा लावा वगैरह वगैरह के कठोर होने की वजह से जो पर्वत बनता है उसी को जो है आग्नेय कहते हैं और उस चट्टानों को बेसाल्ट कहते हैं। अब यहाँ पर ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ अरावली है, अल्पेशियन की जो अप्लेशियन की बात भी जो है वैसे ही है, ये सब के सब जो है पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण हैं। जितने भी बलित पर्वत आपको मिलेंगे, नए पर्वत जो मिलेंगे, वो सब के सब या तो जो है लंबाई में बहुत लंबे हैं या नहीं तो उनकी ऊंचाई सबसे अधिक है। हिमालय की ऊंचाई सबसे अधिक है तो एंडीज की लंबाई सबसे अधिक है। रॉकी पर्वत की भी जो है यथा स्थिति लगभग वैसी ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें उससे पहले हमारी संस्था की तरफ से आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है, जिस पर विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज दी गई है। इनको प्राप्त करने के लिए या तो आप www.study91pro.com पर जाएं या फिर अपने मोबाइल से जो है इस ऐप को जो है डाउनलोड करें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगला प्रश्न देखें। ड्रंकेन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका और लेसेथो एक और देश है। लेसेथो बिल्कुल अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ यह देश है, कभी इसी का हिस्सा था। बिल्कुल लेसेथो और दक्षिण अफ्रीका और लेसेथो में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। दक्षिण अफ्रीका यानी कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का जो है ये पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अफ्रीका और ऊपर जो है दिया है बोत्सवाना, इन दोनों को अलग करती है एक नदी जिनका नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है? लिम्पोपो। लिम्पोपो और ये नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका का ही पड़ोसी देश है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। क्या नाम है? जिम्बाब्वे। उसको भी अलग करती है कौन सी? लिम्पोपो। लिम्पोपो ही अलग करती है। इन दोनों देशों के जो है सरहद पर स्थित है और उनके बीच ये ड्रंकेन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला है। किस देश में? दक्षिण अफ्रीका में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, मिलाइए। दक्षिण अफ्रीका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसकी तीन तीन राजधानियां हैं। तीन तीन राजधानियां हैं, आप फटाफट कमेंट करके बताएं उनका नाम क्या है। यहां पर देखते हैं हम लोग आगे। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। इधर पर्वतों के नाम दिए गए हैं और उधर जो है उन देशों के नाम दिए गए हैं जहां पर ये स्थित है, जैसे मैकेंजी सब कोई जानता है कनाडा में स्थित है, अलेघनी अमेरिका में स्थित है, एल्बोर्ज ईरान में स्थित है, कैटाब्रियन स्पेन में स्थित है। हो गया, यानी पहले का क्या होगा? फोर, तो ये दो तो नहीं होंगे। दूसरे का क्या होगा? कैंटाब्रियन स्पेन में है जिसकी राजधानी मैड्रिड है। बी का तीसरा यानी पहला विकल्प ही सही है। आगे देखिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। इधर दिया है आपका पर्वत शिखर, इधर पर्वत शिखर दिया है और इधर जो है महाद्वीप दिया है। इन पर्वत शिखरों को हम लोग जो है देखते हैं। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। कहां पर? तंजानिया में स्थित है। और ये किस देश में, किस महाद्वीप में होगा? जी हां, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कोसियुस्को ये कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, यहां की सबसे ऊंची चोटी है। मैकिल्ले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कहां की? उत्तरी अमेरिका की राकी पर्वत की ये जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी है। अल्ब्रोस जो कि यूरोप में जो है स्थित है। तो ए का तीसरा तो ये दो तो सही नहीं हो सकते हैं। बी का चौथा तो ये भी नहीं होगा, तो बच कौन गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखिए। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। अब यहां दिया है पर्वतों के नाम और ये दिया है टाइप्स ऑफ द माउंटेन।
टाइप्स ऑफ माउंटेन में कह रहा है फ्यूसियामा, फ्यूसियामा जो है एक प्रकार का ज्वालामुखी भी है और एक प्रकार का जो है पर्वत भी है, यानी ज्वालामुखी पर्वत है और किस देश में स्थित है, जापान में, कई बार इसको मैंने बताया था। विंध्य पर्वत बताने की जो है जरूरत नहीं। आल्पस पर्वत एक तरीके का बलित पर्वत है, आल्पस पर्वत एक तरीके का जो है बलित पर्वत है। अगर इन्हीं दो को आप, इन्हीं दो का जो है आंसर जानते हैं तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए डी का कौन सा होगा, दूसरा। आइए डी का दूसरा है, यानी जो है ये विकल्प जो है सही नहीं होगा, ये भी विकल्प जो है सही नहीं होगा। उसके अलावा ए का तीसरा है, ए का तीसरा यानी यही, यहाँ तो एक ही विकल्प दे ही रखा है ए में, तो ऐसे ही सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट टिटलिस बर्न शहर यहीं पर स्थित है और ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में जो है ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में स्थित है। वाजेस फ्रांस में स्थित है, वाजेस फ्रांस में स्थित है। स्विट्जरलैंड टिटलिस बता ही दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसके जो है पश्चिमी तट पर राकी पर्वत का जो है विस्तार पाया जाता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। आगे, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है, जूरा पर्वत, बहुत पूछता भी है। जूरा पर्वत कहा जाता है कि इसका आकार बिल्कुल कभी जो है वैसे ही था जैसे जो है जूरा जो कि बालों का जो है बांधा जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है जूरा पर्वत हुआ। और ये दो देशों को जो है अलग करता है, किसको, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा पर स्थित है, स्विट्जरलैंड के सीमा पर स्थित है कौन, जूरा पर्वत श्रृंखला। पेरिनीज ये भी फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है, किसके किसके, फ्रांस और स्पेन के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का काम करता है। एपिनाइन ये बताने की जरूरत नहीं है कहां पर स्थित है, इटली में, इटली के ठीक बीचों बीच जो है इटली प्रायद्वीप पर स्थित है, कौन सा, एपिनाइन पर्वत श्रृंखला। तो दिए हुए प्रश्न ये यूरोप में स्थित है, तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है, कौन सा, पहला विकल्प। आगे देखिए, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, जी हाँ अभी तो मैंने बताया स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, जी हाँ ये है, कहाँ गया, पेरिनीज। और जूरा किसके किसके बीच है, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है, किसके बीच, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है और वो है जूरा पर्वत श्रृंखला। काकेकस यूरोप और एशिया के बीच स्थित है, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है, हालांकि यूरोप और एशिया को बांटने का काम यूराल और काकेकस दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पठारों की बात यहां पर प्लेट्यू की बात हो रही है। प्लेट्यू का मतलब मैंने बताया कि सेल निर्मित वह संरचना जिसका जो है शीर्ष बिल्कुल फ्लैट हो, समतल हो, चाहे ऊंचाई कुछ भी हो, उसको जो है प्लेट्यू कहते हैं, पठार कहते हैं। जैसे पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, इसकी ऊंचाई 5000 मीटर से ऊपर है लेकिन ये फिर भी पठार है, क्यों, क्योंकि इसका शीर्ष शंक्वाकार नहीं है। अगर शीर्ष इसका शंक्वाकार होता, कोनिकल होता, तो यह एक माउंटेन होता है, लेकिन प्लेट्यू है। ओजार्क प्लेट्यू संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। ईरान का पठार नाम से ही पता चल रहा है वहीं पर होगा। अनातोलिया कहां पर स्थित है, तुर्की में पाया जाता है। सान प्लेट्यू बहुत पूछता है, बर्मा में स्थित है। सब के सब जो है सही है, इसलिए पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, सारे सुमेलित है, इसीलिए कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार, कहां कहां क्या टाइप किया है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार की उपमा प्रदान की गई है, उपमा यहां होना चाहिए था, उपमा प्रदान किया गया है, किसको, पेटागोनिया को खनिजों का भंडार कहा जाता है। पेटागोनिया है कहाँ पर, अर्जेंटीना में स्थित है, कहाँ पर, अर्जेंटीना में स्थित है। और ये अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है अर्जेंटीना। दुनिया में सबसे अधिक मांस का उत्पादन करने वाला देश है अर्जेंटीना। और आप कमेंट करके मुझको जो है बताना अर्जेंटीना की कैपिटल कहाँ है, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है। पिछले दिनों ब्रिक्स में सम्मिलित होने से अर्जेंटीना इनकार कर दिया था,
करंट अफेयर का ये मैटर था। पठार पर स्थित नगर है मैड्रिड, और कौन से पठार पर स्थित है? मसेटा। कौन सा? मसेटा प्लेट्यू पर स्थित है मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी है। पठार मुख्य रूप से होते हैं खनिज भंडार, ये भी सही है। मैक्सिमम जो प्लेट्यू मिलेंगे सब के सब जो है खनिज भंडार के रूप में मिलेंगे। छोटा नागपुर का पठार, ये झारखंड का क्षेत्र है, आप इसमें कन्फ्यूजन मत हो, ये जगह कि नागपुर में स्थित है। छोटा नागपुर को संज्ञा दिया जाता है कहे का? भारत का रूर, भारत का रूर का संज्ञा दिया जाता है, तो ये भी सही है, 100% सही है। और वैसे तो रूर नामक जगह जो है फ्रांस में पड़ती है, जो कि मिनरल्स के लिए जानी जाती है, खनिज भंडार के लिए जानी जाती है, लेकिन भारत में सबसे अधिक खनिज भंडार जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो है पाया जाता है, और खास करके उन क्षेत्र में पाई जाने वाली जो गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टाने जिनमें करीब मोर देन 90% जो है कोयला उसी चट्टानों में पाया जाता है। जितनी जो है आपको चट्टान ये जो है खदाने मिलेंगी, ये सब के सब जो है ऐसी खदाने जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही जो है पाई जाती है। डी विकल्प भी सही है, इसलिए पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। अंतिम प्रश्न देख लीजिए, सब वही है, कौन सुमेलित नहीं है? माटो ग्रासो पठार ब्राजील में है, कुछ पूछना ही नहीं है। बोलबिया प्लेट्यू बोलबिया में है, बोलिलिया नहीं है, कौन सा? बोलबिया में स्थित है, बोलबिया ये देश का नाम है और अमेरिका दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। पोटवार प्लेट्यू अपने पड़ोसी देश में जो है स्थित है, बताने की जरूरत नहीं, प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान। कोरात प्लेट्यू थाईलैंड में स्थित है, सबके सब जो है सही है, इसलिए दिए हुए प्रश्न का। पामीर प्लेट्यू या पामीर का पठार, इसका विस्तार कितने देशों में है? आप जाते जाते सब लोग जो है कमेंट जरूर करना। पामीर प्लेट्यू जिसको दुनिया की छत कहा जाता है, यह विश्व के कितने देशों में इसका विस्तार है? हमारी संस्था के तरफ से ये जारी की गई जो ये पुस्तकें हैं, और ये पुस्तकें आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो है जारी की गई हैं। इनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर जो है आप कॉल करें और इनका इस्तेमाल करें। आज बस इतना ही इस सेशन में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, शुभ रात्रि। मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। Mm-hmm.